दोस्तों, जब आपके ऊपर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं इमरजेंसी के टाइम पर पैसों का इंतज़ाम किस तरह से कर सकता हूँ। एंड आप पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कभी तो अपने फैमिली मेम्बर के पास जाते हैं एंड कभी आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं। जब आपको वहाँ से भी मना कर दिया जाता है तो आप आखिर में जाते हैं बैंक के पास, जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है। एंड बैंक में जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बैंक आपको इतनी आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं कराता है। वहाँ पर लोन लेने के लिए आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड कराने होते हैं, तभी आपको बैंक की तरफ से लोन ऑफर किया जाता है। तो वहाँ पर भी आपकी लोन की फाइल रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपके मन में बहुत ही तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि मैं लोन किस तरह से ले सकता हूँ। तो आप सभी भाइयों की इस प्रॉब्लम को देखते हुए आज की ये वीडियो में लेकर आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मनीव्यू इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन से आप 10,000 रुपये के अमाउंट से 5,00,000 रुपए तक की अमाउंट का इंस्टेंट पर्सनल लोन विद इन 1 मिनट्स के अंदर आप ले सकते हैं। आपका यहाँ पर जो भी लोन अप्रूव होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस पेपरलेस होने वाला है, यानी कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड लोन को रीपेमेंट करने के लिए आपको लगभग 5 साल का टाइम यहाँ पर मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है वो होता है अप टू 15% का, यानी कि 15% तक का इंटरेस्ट आपको मनीव्यू इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन को देना होता है अगर आप इससे लोन लेते हैं। एंड अगर आप कोई यहाँ पर छोटी मोटी जॉब करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप फार्मर हैं, यानी कि आप कोई भी एक्स वाई जेड काम करते हैं, अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आपको 101% लोन मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तब भी आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा, यह मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं। दोस्तों, अगर आपको भी लोन की जरूरत है तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल लाइव लोन लेकर दिखाने वाला हूं एंड कंप्लीट प्रोसेस आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग को बहुत ही ज्यादा इजी बनाता हूं। सो आइए अब हम सीख लेते हैं कि मनीव्यू लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनीव्यू लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है एंड आप यहां पर आ जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर। यहां से आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। एंड उसके बाद आप जब इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। यहां पर आपको कुछ परमिशन, लोकेशन, SMS, मीडिया को एक्सेस करने की परमिशन इस एप्लीकेशन को आपको प्रोवाइड करानी है। तो सारी परमिशन आपको प्रोवाइड कराने के बाद आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री क्लिक करेंगे आपको यहां पर अपनी एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना होगा, जिस ईमेल आईडी की हेल्प से ही आप अपनी लोन की प्रोफाइल को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड उसके बाद यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिस मोबाइल नंबर पर आपकी यहां पर वेरिफिकेशन होगा। एंड यहां पर आप अपना वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके मोबाइल में यहां पर हो। एंड उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम एंड आप यहां पर सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपकी मंथली इनकम कितनी है वो यहां पर आपको एंटर कर देनी है एंड आपकी यहां पर एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो यहां पर आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निकल के आती है, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है एंड आपको यहां पर गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहां पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं गेट ऑफर पर क्लिक करूंगा मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दे जाऊंगा। यहाँ पर मुझे अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है जो मेरे पैन कार्ड में मुझे मिल जाता है एंड यहाँ पर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है एंड लास्ट में मुझे अपना एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है एंड मेरा यहाँ पर जेंडर क्या है वो मुझे सबसे लास्ट में एंटर कर देना है, मेल, फीमेल या फिर अदर, जो भी आपका जेंडर है आप सेलेक्ट कर दीजिए। एंड उसके बाद आपको सिंपली गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो अगर आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कोई भी सिबिल स्कोर नहीं, आपकी 0 सिबिल स्कोर है, आपने आज तक भी कोई लोन नहीं लिया है, तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन 3 महीने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। एंड अगर आपने आज से पहले कई बार लोन ले चुके हैं, आपकी सिबिल रिपोर्ट 700+ है या आपकी काफी अच्छी सिबिल स्कोर है, तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपए, 70,000 रुपए तक का लोन आपके लिए यहाँ पर अनलॉक रहता है, आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। एंड जिनकी सिबिल रिपोर्ट
यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, उन्हें यहाँ पर अप टू 5 लाख रुपीस तक का लोन ऑफर यहाँ पर शो हो जाता है। तो जो भी आपको लोन ऑफर शो होता है, आप अपने अकॉर्डिंग लोन को सेलेक्ट करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। हमारे केस में यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन ऑफर हमें शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ पर आपको ये जो स्लाइडर मिल जाता है, इस स्लाइडर को लेफ्ट एंड राइट करके आप यहाँ पर अपनी लोन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं, उस पर सेट कर दीजिए। मिनिमम आपको 4,000 रुपये का लोन मिल जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। ये लोन आपको 3 महीने के लिए मिलता है एंड आपकी जो यहाँ पर EMI बनती है वो बनती है 1768 रुपये की। एंड यहाँ पर आपके ऊपर जो प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है वो यहाँ पर लगती है 206 रुपये की। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन मनीव्यू लोन एप्लीकेशन के पास सेंड करी जा रही है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी KYC का प्रोसेस सक्सेसफुल्ली यहाँ पर अप्लाइड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर सिंपली आपके सामने ये जो नीचे की तरफ एक टैब निकल के आती है, इस टैब को आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप इस टैग पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम, अपनी माता जी का नाम एंड आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय एंड आपकी यहाँ पर मंथली इनकम कितनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। एंड यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करने के बाद आपके सामने ये जो ग्रीन बटन में एक आपको टैब दिख जाती है, यहाँ पर आपको प्रोसीड या फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली फिल कर दी है एंड उसके बाद हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। आप अपना बिजनेस का नाम, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, अपने बिजनेस का पिन कोड, एनुअल टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन टाइप, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें उन इस केस में आती है कि अगर आपने यहाँ पर खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया है। तो हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया था तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। अगर आप सैलरीड पर्सन होते हैं तो आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ती है। तो हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना एक फोटो अपलोड करना होगा सेल्फी के तौर पर। तो फोटो को अपलोड करने के लिए हमें कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड टेक पिक्चर पे हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे यहाँ पर मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है एंड हमें यहाँ पर अपना एक फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करने के बाद हमें यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है, यानी कि हम अपनी जो लोन की अमाउंट है एंड जो हमारी EMI जिस बैंक से कटने वाली है, हम उस बैंक को यहाँ पर इस एप्लीकेशन में हमें ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आपको सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक हैं वो सारे बैंक आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है एंड कन्फर्म अकाउंट नंबर एंटर करना है एंड अपना IFSC कोड एंटर करना है एंड वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल्ली मनीव्यू के पास यहाँ पर सेंड कर दी गई है एंड जैसी मनीव्यू की टीम हमारी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लेती है तो हमें यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर विद इन 1 आवर का वेट कर लेना, यानी कि 1 घंटे में आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो कम्प्लीटली वेरीफाई कर ली जाती है। तो अब हम अपना 1 घंटे का वेट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इस मनीव्यू एप्लीकेशन को 1 घंटे के बाद ओपन किया था तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर वेरीफाई कर ली गई है और हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब मुझे अपना सेकंड स्टेप को यहाँ पर अनेबल करना होगा। अब मुझे यहाँ पर सेकंड स्टेप में अपनी इस मनीव्यू एप्लीकेशन को ENACH की परमिशन अलाउ कर देनी है, यानी कि ऑटो डेबिट की परमिशन अलाउ करनी है। ऑटो डेबिट की परमिशन को अलाउ करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं, एक ATM कार्ड एंड एक नेट बैंकिंग का। तो जो भी आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड हो वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। अगर मैं ऑटो डेबिट को आपको आसान भाषा में बताऊं तो जो आपकी EMI बनती है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली यहां पर डिडक्ट हो जाए करेगी, आपको किसी के पास जाकर EMI जमा करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास यहां पर जो भी चीज आपके पास है, ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप यहां पर ATM वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए एंड आपको ENACH कंप्लीट करने के बाद आपका ENACH की जो फैसिलिटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी।
एंड उसके बाद आपको सिंपली अपनी इस लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करना होगा। यानी कि फोर्थ स्टेप में आपको अपने आपने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई है आपको सिंपली रिव्यू नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिव्यू नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को मनीव्यू की टीम रिव्यू करती है एंड आपके द्वारा दी गई अगर सारी जानकारी बिल्कुल जेन्युइन होती है 100% रियल होती है तो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है एंड जो आपकी लोन की अमाउंट होती है वो फिफ्थ स्टेप में जो आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया है उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से नेक्स्ट मंथ से लोन की EMI कटनी स्टार्ट हो जाती है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन से 1 मिनट के अंदर 10,000 रुपये के अमाउंट से 5 लाख रुपये तक की अमाउंट का लोन लेकर आपको लाइव सिखा दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी बैंकिंग की नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।